अच्छा, आपको पता है सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कौन सा मोड का यूज किया जाता है? 150 mm, 100 mm, 70.6 mm या फिर 50 mm? और इसके लिए कौन सा IS कोड है इसका यूज किया जाता है सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए? तो चलिए हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा मोड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, और साथ ही साथ वो कौन सा IS है जिसका रेफरेंस लिया जाता है सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी मेन टॉपिक के बारे में। तो देखिए, सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए 70.6 का ही मोड लगता है। आप बोलिएगा मत, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में आप सब कमेंट करते हो मेरी समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं जो है बिजी रहता हूँ भाई, कमेंट की जवाब नहीं दे पाता। आप लोग जो कमेंट करते हो, मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर जो है एवरी संडे 5-6 कमेंट को मिला के एक वीडियो बना दूँ। वो उस चीज़ के ऊपर मैं सोच रहा हूँ, अभी तक कुछ डिसीजन लिया नहीं है, तो मैं देखूंगा कि उस चीज के ऊपर जो है वीडियो बना के आप सभी के लिए शेयर कर सकते। आप सब वीडियो पूरा नहीं देखते हो, आधा अधूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हो कि सर हमारी समझ में नहीं आया। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो पूरा जरूर देखा कीजिएगा, ताकि आपको मेन टॉपिक जो है वो समझ में आ सके। तो ये तो क्लियर हो गया, 70.6 का ही मोड का इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को देखने के लिए सीमेंट का। IS कोड के बारे में बात कर लेते हैं। IS कोड जो है वो 10080 IS कोड का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रेफरेंस लिया जाता है सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।